नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज चैनल। जनपद बहराइच से बड़ी खबर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से मुख्यालय पर आमरण अनशन, मनरेगा भुगतान न करने के संबंध में धरना प्रदर्शन। सूर्य प्रकाश सिंह बबलू सिंह अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला महामंत्री की ओर से संबंध में समय पर प्रधानों की समस्याओं को लेकर विकासखंड अधिकारी से संपर्क करते हुए विशेष भावना से ग्रस्त होकर खंड विकास अधिकारी बड़े बाबू और तथाकथित दलाल नवीन पांडे, मनरेगा का भुगतान मेरे तथा मेरे कुछ साथियों का नहीं किया गया तथा अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में की जांच कराकर दोषियों की व्यक्तिगत दंडित किया गया है। मुझे मजबूर होकर विकासखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिससे सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। रिपोर्ट रामेश्वर सिंह भदौरिया, पत्रकार जिला बहराइच। मैं प्रधान संगठन का जिला महामंत्री सूर्य प्रकाश सिंह वर्तमान में ग्राम प्रधान के रहा। ब्लॉक में कल जब मनरेगा के मटेरियल का पैसा आया, उसमें निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा लिस्ट में उलटफेर किया गया, क्रम से भुगतान नहीं लगाए गए। इसलिए हम प्रधान संगठन के लोग इकट्ठा होकर के BDO साहब से मिले, ज्ञापन दिया, बातचीत की। ज्ञापन का मतलब मौखिक वार्ता हुई। मौखिक वार्ता में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद कर्मचारियों को उन्होंने हिदायत की कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर प्रधान संगठन के लोगों ने मन बनाया कि इस लड़ाई को यहीं समाप्त कर दिया जाए, अगली कोई कमी आने पर पुनः लड़ाई लड़ी जाएगी। ये निर्णय हमारे प्रधान संगठन का हुआ है और उसका अक्षरशः पालन मैं करूंगा। क्योंकि ब्लॉक की इकाई की इच्छा यही है, इसलिए हम तो जिला के प्रतिनिधि होने के नाते इसको यहीं पोस्टपोन करते हैं। भाग्य आगे हमारे जब कोई कार्यक्रम तय होंगे, मैं सभी पत्रकार साथियों को पुनः आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रुको, एक नहीं किया गया है, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कहा, उन्होंने आश्वस्त किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक, कोई ऐसी गलती नहीं थी, ये टेक्निकल समस्या थी, वो सॉल्व हो गई जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, और कोई नहीं, और कोई समस्या नहीं। ये जरूर कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि अगर दोबारा किसी ऑपरेटर या कर्मचारी द्वारा किसी प्रधान का हित होता है या किसी और भी जैसे लाभार्थियों का हित होता है तो सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे हम लोग। जी, धन्यवाद।